स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सपांशन कर रहे हैं 9th ICSE का। इसके लिए ना 7 फॉर्मूले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई काम ही नहीं होने वाला। ये फॉर्मूले हम लोग देखते हैं, a प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर। अगर ये वाला फॉर्मूला देखोगे और ये वाला फॉर्मूला अपना कौन सा a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला सेम ही है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये और वो फॉर्मूले की है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, राइट। इस a को ये कट होने वाला है, राइट। तो इसको मिला के इसका कंबाइंड फॉर्मूला शॉर्टकट में क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2। अगर यहाँ पे सेम लॉजिकल जाएंगे 1/a ब्रैकेट स्क्वायर में, यहाँ पे माइनस है इसीलिए सेम रहेगा, बस इसकी जगह बराबर है। इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे a प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर पहले लिखना है, फिर माइनस वाला लिखना है। इसका फॉर्मूला आता है 4a। ठीक है, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला आता है, क्यूब वाला आता है, a माइनस 1/a ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला कैसे आता है, देखिए इसको मैं प्लस लिखता हूँ, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, इसको ना यहाँ पे लिखता हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी रहेगा। तो a प्लस 1/a ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला आता है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 लिखना है, और वही जो टर्म के लिए हम लोग कैलकुलेट करें उसी टर्म को वापस लिखना है, वहां पे a प्लस 1/a। जब ये माइनस आता है a माइनस 1/a ब्रैकेट क्यूब क्या आएगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 इंटर ब्रैकेट a माइनस 1/a। ऑब्जर्व करो सारे टर्म में निगेटिव, ये लॉजिक है इसका, ट्रिक है। यहाँ पे सब में प्लस है, यहाँ पे 4, 2, ये समझ में किसे डाउट है इस केस में, तो कितने टोटल 5 हुए। ओके, और कौन सा है, कौन सा ना ए प्लस 1/a इंटू ए माइनस 1/a इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1/a। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले कर दो आपका काम बन जाएगा, शायद एक आध फॉर्मूला बढ़ेगा आगे। अब हम लोग 1 by 1 करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जहां पे x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 4 है, इसके इक्वेशन में डालना है। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसका ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका है बहुत बार, तो आपको भी आता है बस। तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर 9 है, तो 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 इंटू 4 प्लस वाई के लिए 4 है प्लस 16 आएगा माइनस 3, तो ये 81 प्लस 72 प्लस 16 माइनस 3। तो ये एडिशन करो, तो इसका 81 माइनस 73 करोगे 78 आएगा, 78 प्लस 72 प्लस 16 14 आएगा, 1 आया क्या, 7 प्लस 7 14 15 16 164। तो 181 प्लस 72 एक मिनट, ओके 2 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 3 6 आया, लास्ट में 6 है तो ये आएगा, 166 आंसर आने वाला है। यूनिट से ऐसा कैलकुलेशन करते इस केस में, ठीक है। अभी इसको ये देख तो आ जाएगा, राइट। तो हम लोग ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या दिया, देखिए एक्स प्लस 1/x, तो इसकी वैल्यू उन्होंने 2 दिया है, उन्होंने बोला है कि ये वाला ढूंढने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 5। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपने पास ये वाला नहीं है, ये वाला कैसे नहीं है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अपने पास ये वाला फॉर्मूला है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 वाला,
उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्योंकि यहाँ पे प्लस से प्लस निकला, इसकी वैल्यू क्या है? टू है, उसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर आया। एग्जैक्टली, तो फोर माइनस टू इक्वल टू टू आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बराबर है। तो हमें क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई? टू मिल गई। अभी उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है, तो उनका जो क्वेश्चन है ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, इसकी वैल्यू मुझे टू मिल गई प्लस फाइव, आंसर कितना है? सेवन, तो इसीलिए सेवन आंसर है। ऑल सेट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद x माइनस वन ऑफ एक्स दिया है, x माइनस वन ऑफ एक्स इक्वल टू उन्होंने एट दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बोला है? एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमारे पास इसका स्क्वायर कर सकते हैं x माइनस वन ऑफ एक्स। तो याद देख, सब लोग क्या करते पता है कि यही पे स्क्वायर करते, इसको अलग से सॉल्व कीजिए आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखा एक्स माइनस वन ऑफ एक्स, ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसकी वैल्यू एट दिया उन्होंने, उसका स्क्वायर किया तो 64 प्लस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यह आएगा 66 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एग्री हो? अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? इसकी वैल्यू पूछनी है, इसकी वैल्यू क्या है? 66 माइनस है, कितना आता है? 58। आपका ऑप्शन है क्या? 58। सब उस पॉइंट पे चलो। ओके, अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन दिया है। अभी ये वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला शायद आपके पास सही नहीं, लेकिन अगर ऑब्जर्व करोगे इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिएगा मेरे पास ये ऐसा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका मैं स्क्वायर कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल है, कुछ नहीं है, जो पहले था वही है, बस इसका और एक स्क्वायर लिखना है। तो एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर करना है, फिर वन अपॉन एक्स स्क्वायर था हमारा, उसका भी स्क्वायर करना था, प्लस कितना आएगा? टू आएगा, क्यों? यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए मैंने प्लस लिखा, याद रखिएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है? एक्स रेस टू फोर आएगा प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू फोर आएगा प्लस टू, इसकी वैल्यू क्या है? नाइन है, तो नाइन का स्क्वायर कितना आएगा? 81। तो 81 ये प्लस टू उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना है? 79। तो आंसर चेक करते हैं, ये 79 किसकी वैल्यू आ गई? एक्स रेस टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू फोर की वैल्यू आएगी। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है पता है क्या? उन्होंने पूछा है कि प्लस फाइव पूछा है, तो आपका इसका वैल्यू 79 आ गया। तो एक्स रेस टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू फोर प्लस फाइव, इसकी वैल्यू उन्हें 79 दिया है, प्लस फाइव कितना है? इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये 84 है, ठीक है। अभी ये एफ वाला क्वेश्चन आईएमपी लास्ट टाइम आया था ये क्वेश्चन, तेरा उस क्वेश्चन पेपर है ना तन्मय, उसमें देख ये वाला क्वेश्चन होगा अच्छा है सर, अभी मत देख बाद में देख, मैं तो कंफ्यूज हूं। हां क्वेश्चन क्या दिया? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है? पहले स्टेप है पूरे इक्वेशन को एक्स से डिवाइड करना, क्या करना है? एक्स से डिवाइड करो। तो यहाँ पे भी मैंने एक्स से डिवाइड किया, इसको मैंने एक्स से डिवाइड किया, तो इसके हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, जीरो अपॉन एक्स जीरो ही होता है, तो इस एक्स को ये कटेगा, इसको ये कटेगा, तो आपको क्या देखा है? एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्चुअली याद है इससे बात आपको पता है क्या करते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वैल्यू कितने आ गए मेरी? थ्री आ गई। उन्होंने क्या अगर इस क्वेश्चन में स्क्वायर करने के लिए बोला है अगर देखा जाए, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री। अभी आपको पता है हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन में स्क्वायर करने के लिए बोला है इसीलिए मैं इसका अलग से स्क्वायर करूंगा। ये पी स्क्वायरिंग है, बोथ साइड नहीं करने वाला, करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपका। ये अलग से सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ए स्क्वायर थ्री है उसका स्क्वायर करना तो नाइन माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना है, सेवन इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। उन्होंने क्या पूछा आपको, इसकी वैल्यू क्या है, सेवन प्लस वन कितना है एट, इसीलिए इसका आंसर एट बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव दिया। लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए क्या बोला है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ढूंढने के लिए बोला है बराबर, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इसका फॉर्मूला क्या रहा है, स्क्वायर करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसकी वैल्यू हमें ढूंढने के लिए बोला है। इसका वैल्यू क्या दिया उन्होंने, फाइव दिया है, माइनस टू लिखा तो कितना आएगा, थ्री आएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल रूट थ्री आएगा और ये प्लस माइनस आएगा। कारण क्या समझते क्या केस में, माइनस टू का स्क्वायर कितनी है तो फोर है, तो एंड टू चा पण स्क्वायर फोर है, तो मग ती वैल्यू माहित नसते ना प्लस है का माइनस, म्हणून प्लस माइनस होता दोन्ही पण घ्यायचे असतात, तो प्लस माइनस रूट थ्री आया। सबको समझ ना, ठीक। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी एट है, उसके बाद यह ए बी इक्वल टू कितना दिया, आवाज बंद है, उन्होंने क्या बोला है वो देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है। अभी एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फॉर्मूला क्या आपने पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, आपको ए प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है क्या, लेकिन अपने पास एक फॉर्मूला है नहीं उससे कर सकते हैं। ओके इससे हम लोग पहले a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये एट का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब टू इंटू फिफ्टीन तो आएगा 64 माइनस 30 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये कितना है आपका 34 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, अभी मैं क्या करने वाला, इसके बाद मुझे ए प्लस बी तो पता है लेकिन ए माइनस बी पता है क्या, नहीं, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इसको मैं करूँ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला से लिखना हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। नाउ आप मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 34 है जो अभी हम लोगों ने निकाला, माइनस टू ए बी की वैल्यू क्या 15 है, तो 34 माइनस 30 कितना आता है 4 आता है, तो ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई बराबर है। उन्होंने क्या पूछा है, ए माइनस बी की तो वैल्यू मुझे 2 मिल गई, ए प्लस बी की वैल्यू है 8 है, ए माइनस बी की वैल्यू है 2 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना आएगा 8 इंटू 2 तो 16, इसीलिए आपका आंसर 16 होना चाहिए, वो भी प्लस माइनस में आएगा। क्यों प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग स्क्वायर किया था, स्क्वायर रूट निकला था, 4 का स्क्वायर रूट 2 था, दैट 2 इक्वल टू प्लस माइनस वाला, ऑल सेट है, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है,
ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, पूरे इक्वेशन को क्या करोगे आप, एक्स से डिवाइड करोगे, इतना हल नहीं करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, पूरे इक्वेशन को एक्स से डिवाइड करना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कटेगा ये भी कटेगा, एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसके बाद और आपको पता है, ठीक है, इसके बाद और आप लोग कर सकते हैं स्क्वायरिंग में बहुत सारे करना है आपको बस, तो प्लस टू है तो मैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का फॉर्मूला लिखूंगा स्क्वायरिंग वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसकी वैल्यू टू है, टू का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो फोर माइनस टू करोगे आंसर क्या आएगा, टू आएगा, इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर भी टू आएगा, ठीक है, ऑल सेट है, फाइंड स्क्वायर ऑफ ये कर सकते हैं थ्री ए प्लस सेवन बी वाला, ठीक है, ये वाला आएगा वन जीरो वन वाला कैसे करना है, हंड्रेड प्लस वन करो काम बन जाएगा, उन्होंने बोला है 101 का स्क्वायर करना है, तो इसका कैसे करो, 100 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, अपना कौन सा फॉर्मूला यूज करना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अभी पता चला, अभी वाला क्वेश्चन था ना, 998 है ना, 1000 माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर, असं का केलं का लागेल 1000, कारण 1000 चे कॅल्क्युलेशन करायला स्क्वेअर क्यूब काढायला सोपं पडतं म्हणून ते तसं केलं, 100 मायनस 3 97 का 100 मायनस 3 हां 1000 चा स्क्वेअर मायनस 2 इंटू 1000 इंटू 2 प्लस 2 चा स्क्वेअर, बरोबर आहे, 1000 चा स्क्वेअर म्हणजे किती आहे, किती शून्य आहे, 3 आहे, स्क्वेअर केलं तर काय येईल, 6 येईल, 1 2 3 4 5 6 मायनस 2 4 4000 प्लस 4, अब ये लिखना कैसे है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 बराबर है, उसमें से पहले 4000 कम कर दो, 1 2 3 4 जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, 9 9 बराबर, क्या रही हम लोग ले रहे ना, जीरो था उसका 6 ये किया, यहाँ पे कितना बचा, 9 आएगा, 9 आएगा और इसका कैरी इसको दे दिया, तो 9 9 6 आया, अब इसमें इसमें क्या करना आपको, 4 ऐड करना, तो 9 9 6 0 0 4 पहला कैसे करना, ऑल सेट है, ठीक है, ये वाला होगा, ओके, इसके बाद क्या दिया है, ओके, ये तो ऑलरेडी किया था, हे वाला ना, ठीक है, काय क्वेश्चन आहे, 2x अपॉन 7 माइनस 7y अपॉन 4, कुठला फॉर्म्युला अप्लाई करता, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, सब एग्री उस पॉइंट पे, फॉर्म्युला क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्या आएगा, 4a स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 7 और 7 गेले 2 2 दा पहला पण हा गेला तो किती होले xy वरन प्लस 7 चा स्क्वायर 49 येतो y स्क्वायर अपॉन 16 ऑल सेट आहे, अजून कोणाला काय डाउट आहे, ठीक आहे चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाले बहुत आते हैं,
कौन सा कराया था, कितना रखा 6 वाला है करा चाहिए का नहीं है, टिक नहीं किया 7 के सर। हां 7th में क्या दिया देखो, a minus b equal to 7 है, ab equal to, मैंने ये क्वेश्चन दिया अभी, ab equal to क्या है 18 है, तो हां कैसे सॉल्व कराया था, दो स्टेप मैंने कर सर, कैसे करना है, पहले a minus b ब्रैकेट स्क्वायर करो, तो a square plus b square minus 2ab, इससे आपको क्या मिलेगा, ये वाला फंडा मिलेगा बराबर ना, a square plus b square मिलेगा, वही आपको किस में लगाना है, इसके लिए लगाना है, तो मैं आपको सॉल्व करूँ, इसका वैल्यू क्या है 7 है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18, तो 49 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 36, तो 49 माइनस 36 कितना हुआ 39, 13 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बराबर है, ऑल सेट है, और उसकी जगह वैल्यू डालना है, रुको यार इसका ऑलरेडी कॉमन फॉर्मूला होगा इसको हम लोग कर सकते हैं, हाँ आई का हाँ फॉर्मूला कैसा कराते हैं इसका ही शॉर्टकट में मतलब बताता हूँ आपको क्या दिया, देखिए ए आई का एक मिनट, ए माइनस बी कितनी दी रहे हैं 7 दी रहे हैं, ए बी कितनी दी रहे हैं 18 दी रहे हैं, ए प्लस बी 16 है, सगन मान्य फॉर्मूला क्या है, देखिए पहले हमेशा a प्लस बी लिखना है माइनस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखना है हमेशा 4ab लिखना है, ठीक है कहा लगा, पहले केस में रहते 4 का ना हो तो लिख में देखा a प्लस 1 अपॉन a वो कट हो रहा था, यहाँ पे ये नहीं बस होगा आपका आंसर, अभी a माइनस बी की वैल्यू क्या है 4, ab की वैल्यू क्या है 18 है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस 49 72 आया, 72 प्लस 49 कितना आया, दोनों अफ्तर 121, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कितना है 121 है, तो ए प्लस बी कितना आएगा 11, सोपो सोपो पढ़ता है तो पप्पो एक लेसेट है 4ab वाला फॉर्मूला ये वाला, ठीक है उसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए माइनस बी इक्वल टू 0.9, ए बी इक्वल टू 0.36, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ए प्लस बी पूछा है फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है, ओके अभी ये पता है आपको ए प्लस बी ब्रैकेट कैसे करने हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 4ab लिखना है, क्योंकि ए अलग है ये अलग है इसलिए ए बी आया, बाकी केस में 1/a था राइट, तो बी की जगह आप 1/a करते तो ये कट होता इसलिए वो उस फॉर्मूला 4 आया था, ठीक है चलो तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0.9 दिया है, उसका स्क्वायर करो 4, ए बी की वैल्यू कितना है 0.36 दिया है, और ए यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की माइनस, तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 0.81 आया इक्वल टू 0.36 इंटू ये कितना आएगा 6 4 था 24 आया 2 आया 12 14 आया 1.42 बराबर है, बगा कैसे करना है पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 है, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, उसके बाद a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1.44 प्लस 0.81, इसका एडिशन से करते हैं 1.44, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना इंपॉर्टेंट है फिर कुछ भी करो, तो ये आएगा 5 बराबर है 2.25 मतलब कितना आएगा एग्जैक्टली 2.25 मतलब a प्लस बी कितना आएगा 1.5, चलो a प्लस बी मिला a माइनस बी आपको ऑलरेडी पता है, देखो उन्होंने ऑलरेडी दिया है a माइनस बी उन्होंने 0.9 दिया है, a प्लस बी हमें मिला है वो क्या मिला 1.5 मिला, तो हमें ढूंढने के लिए बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास इसका फॉर्मूला है क्या है, क्या है फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी 0.9 है ए प्लस बी क्या है 1.5, इनका मल्टीप्लाई करो पहले 59 का कितना आता है 135 आता है,
यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, टोटल कितना दो डिजिट हुआ, तो 1.35 आंसर। ऑल सेट है अभी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए माइनस बी दिया, ए माइनस बी इक्वल टू 4 है, ए प्लस बी इक्वल टू 6 है, क्या ढूंढने के लिए बोला, पहले ए बी ढूंढो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ढूंढो। चलो इसको भी कर सकते हैं अपना वही फॉर्मूला, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 480, ए प्लस बी की 6 का स्क्वायर, ए माइनस बी का 4 का स्क्वायर इक्वल टू 480, 36 माइनस 16 इक्वल टू 480, कितना है 20 इक्वल टू 480, 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू AB, तो AB की वैल्यू क्या है 5 आ गया। चलो अभी क्या करने के लिए बोला है, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला है, किसी भी वैल्यू डाल दो, मुझे पता है ए प्लस बी की वैल्यू उन्होंने खुद दिया हुआ है 6 दिया, तो स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड करते हैं, मतलब स्क्वायर करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 6 है, इसकी वैल्यू हमें ढूंढना है, और ए बी की वैल्यू क्या मिलेगा अभी 5 मिला था, तो 36 माइनस 10 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना है 26। चलो ये भी होगा, ओके अभी ये वाला क्वेश्चन भी आता है, 11 वाला इंपॉर्टेंट है, क्या दिया, ए प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 6 है, फाइंड करने के लिए बोला है ए माइनस 1 अपॉन ए, उसके बाद बोला है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अपने पास देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना आवाज, इन दोनों का कोई फॉर्मूला है, प्लस और माइनस वाला कोई फॉर्मूला है एग्जैक्टली देखिए याद है कि इसका लॉजिक क्या है, पहले प्लस वाला साइन लिखना होता है, माइनस माइनस वाला लिखना होता है, राइट, 6 का स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये आएगा 36 माइनस 4 इक्वल टू ए माइनस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, रूट 32 आएगा, बराबर है, ऑल सेट है। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है बताइए, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर पूछा है, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर का अपने पास एक ही फॉर्मूला है, ए प्लस 1 अपॉन ए इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए, इसकी वैल्यू आती है 6 आती है, इसकी रूट 32 आती है, तो हम लोग क्या करते हैं 6 रूट 32, ठीक है, ठीक है। अभी आप ये कर सकते हो क्या, ये वाला क्वेश्चन आपको आ जाएगा सेम लॉजिक से, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सेम है, क्या करना है, पहले आपको डिवाइड बाय ए करना है, डिवाइड बाय ए करोगे तो इसको करते हैं ए स्क्वायर माइनस 3 है प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर अपॉन ए करता हूँ डिवाइड बाय ए करता हूँ, तो ए स्क्वायर अपॉन ए आएगा माइनस 3 ए अपॉन ए आएगा प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 0, तो ये गया ए गया, तो ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या आई 3 आ गई, राइट, ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी 3, उसके बाद आपको पता है कैसे बनाना, यहाँ पे a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू आ गई 3, इसका प्लस इसकी जो वैल्यू मिल गई मेरे को, राइट, स्क्वायर कर दो तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, बराबर है, इसके लिए डिवाइड बाय ये करना है, इसके लिए भी ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऑल सेट है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ ये वाला पता है कैसे करना है, ओके ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है x प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, इसने इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 10, यहाँ पे प्लस साइन से मैं प्लस लिखा 8 लिखा x माइनस 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 8x माइनस 80 आएगा, ये दोनों सिमिलर ही है तो एक्स स्क्वायर किया, देखो प्लस माइनस माइनस होता है बड़े नंबर का साइन माइनस 2x, तो बाकी का पता आपको ये भी कर सकते हैं आपको, हो
कितना आएगा? हाँ मैम ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या दिया देखो, ए प्लस वन अपन एक वैल्यू क्या दिया है, एम दिया है। चलो अपने पास देखो, जब भी कभी मैंने बताया था ये भी दिया है और ये ढूंढना है, अपने पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा वाला? राइट, ए प्लस वन अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए माइनस वन अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू क्या है, फोर है। इसकी वैल्यू क्या है, एम है, उसका स्क्वायर करना है। बराबर, एम स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ए माइनस वन अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर। बराबर है, अभी याद रखिए इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका स्क्वायर रूट निकले, इसका भी निकालना, इसका भी निकालना, ऐसा नहीं होता। आपको कंबाइन अंडर रूट डालना पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी लोग क्या करेंगे मुझे पता है, कुछ लोग ऐसे करेंगे एम लिखेंगे, फोर का टू आता है, एम स्क्वायर का टू आता है, फोर का टू आता है, मतलब ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पूरा टर्म एक सिंगल टर्म होना चाहिए तभी पॉसिबल है, ये नहीं है। ऑल सेट है, तो ए माइनस वन अपॉन की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर माइनस फोर आ। राइट, इसके बाद उन्होंने ये पूछा है, जब भी कभी ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर आता है, आपके पास एक ही फॉर्मूला कौन सा है, उनके बीच में बस मल्टीप्लिकेशन डाल दो, तो ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस वन अपॉन ए इंटू ए माइनस वन अपॉन ए। ए प्लस वन अपॉन क्या वैल्यू तो एम है, एस क्यू क्या वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर माइनस फोर, या कैंसर हो, और इसका कभी मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं था। ऑल सेट है, इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप नहीं है, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इसको क्या करना पता है, इसको मल्टीप्लाई करना है, और कोएफिशिएंट क्या होता है एक्स स्क्वायर का, वो लिखना है। कोएफिशिएंट मतलब पता है ना क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3x³ है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, एग्जैक्टली विच साइन बोलना, अगर मान लो माइनस 5x² होता है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 5, विच साइन बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ना एक फॉर्मूला है, सुनिए मेरी बात, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है पता है, सबका स्क्वायर करो पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या है पता है, टू लिखना है और हर एक का पेयर करना है, दो दो का, जैसे ए का मैं पेयर करूँगा ए बी और ए सी, ए बी प्लस ए सी, राइट, मतलब इसका सर्कल होता है, मैं बताता हूँ सर्कल कैसे होता है, बताता हूँ। देखिए ए बी सी पेयर कैसे करना है, ए बी करो पर बी सी करो फिर सी या ए सी करो, समझ में लॉजिक समझा कैसे करना है। ओके, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, उन्होंने क्या दिया, देखा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दिया, 12 दिया, तो 12 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या दिया उन्होंने, 50 दिया, प्लस 2 इंटू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो 12 का 144 माइनस 50 इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो 144 माइनस 50 कितना होगा, 94 डिवाइड बाय 2 होगा, ये मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना आता है, 47 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो इसका आंसर क्या है, 47 आया क्या, ठीक है। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने खुद 35 दिया है, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या दिया है, देखिए 2, इसकी वैल्यू क्या है, 23, उन्होंने पूछा ये फाइंड करने के लिए, देखो एक ही फॉर्मूला, इससे काम बन रहा है अपना, 35 प्लस 23 सीधा तो 46, तो कितना है, 81 आया, तो ए प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट का स्क्वायर कितना आया,
ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 9 आएगा, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूले से वो कितने हो रहे सॉल्व? उसके बाद क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दिया हमने? पी दिया, इसका स्क्वायर करने के लिए बोला है। फिर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दिया है? क्यू दिया, उन्होंने क्या करने के लिए बोला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू क्यू, उधर जाने के बाद क्या होगा आंसर क्या आपका? पी स्क्वायर माइनस टू क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए एक ही फॉर्मूले से मेरा काम बनता, इसका आंसर क्या है? पी स्क्वायर माइनस टू क्यू। ऑल सेट है? चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 50 है, प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी एच की वैल्यू 47 है। समझिए एक्सपेंड करना, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट प्लस 50 प्लस 7 टू 14 एट 94 तो आएगा, ये 4 आया 95 144 आया, सो ये कितना आएगा एग्जैक्टली? इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 12। इसका आंसर आ गया 12। उसके बाद अभी ये थोड़ा क्वेश्चन में ट्रिकी है, यहाँ पे क्या दिखे एक्स वाई माइनस जेड दिया, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इसका स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आएगा? पहले सबका स्क्वायर कीजिए, बराबर है, टू लिखिए और ब्रैकेट में ये जो टर्म दिया है उन्होंने फाइंड करने के लिए वही लिखिए, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, समझ में? उन्होंने जो टर्म दिया वही लिखिए, तो इसकी वैल्यू 4 है, उसका स्क्वायर करना, इसकी वैल्यू 30 है प्लस 2 इंटू ब्रैकेट ये पूरा टर्म एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, तो यह आएगा 16 माइनस 30 इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट ये पूरा टर्म लिखिए एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, तो 60 माइनस 13 कितना है? 14 है, डिवाइड बाय 2 और भी माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। इजी है? चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन दिया ये वाला, देखिए 3x यहाँ पे क्या लिखा है, क्या यहाँ पे क्यूब है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपने का एक फॉर्मूला है पता है, ए माइनस वन अपन ए क्यूब का फॉर्मूला, वो अलग लगाना पड़ेगा या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए आवाज बंद रहे प्लस बी स्क्वायर, थ्री एक्स माइनस फोर एक्स फोर अपन एक्स क्यूब बोले का मधे ऐसा क्यूब है माइनस फोर अपन एक्स अपन क्यूब है माइनस थ्री इंटू ये पूरा टर्म होता है 3x माइनस फोर अपन एक्स, बराबर ना, सब एग्रीगेट पॉइंट पे काय सगळ्यांना जैसे रेड बघता फॉर्म्युला असा आहे ए माइनस बी ब्रैकेट टू का फॉर्म्युला असा आहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी है लक्षा ठेवा का फॉर्म्युला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी यहाँ पे मेरे गलती हुआ
यहाँ पे ये बाकी था, थ्री इंटू बैक, सॉरी थ्री ऑलरेडी लिखा है मैंने, थ्री एक्स इंटू फोर अपॉन एक्स, समझ में आया क्या? देखो ए क्यूब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्यूब माइनस सेकंड क्यूब माइनस थ्री इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, बराबर थ्री ए बी की सबसे इंटू ए बी। अब इसकी वैल्यू डाल मैंने यहाँ पे, फोर है, फोर का क्यूब लिखा है, इसका वैल्यू हमें ढूंढना है, ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब आएगा माइनस सिक्सटी फोर अपॉन एक्स क्यूब माइनस, देखो इस एक्स को एक बन जाएगा, थ्री फोर का ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री का थर्टी सिक्स, इसकी वैल्यू उन्होंने खुद दिया है फोर है, तो फोर का क्यूब कितना था, सिक्सटी फोर आता है, प्लस माइनस हो गया तो प्लस हुआ ट्वेंटी फोर, टू आया राइट, ट्वेल्व फोर्टीन, ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब माइनस सिक्सटी फोर अपॉन एक्स क्यूब कितना आता है, टू हंड्रेड आता है इसका आंसर। और सेट है यहाँ पे ट्रिक क्या पता है, सब लोग ये वाला भूलने वाले हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूला में ए थ्री ए बी वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़िए अभी, सम ऑफ टू नंबर इज सेवन राइट, ए प्लस बी कितना दिया उन्होंने, सेवन दिया, उसके बाद क्या बोले उन्होंने, सम ऑफ देयर क्यूब, त्यांच्या क्यूब की वैल्यू कितनी है, वन थ्री थ्री, फाइंड डी सम ऑफ देयर स्क्वायर, बराबर है। तो अभी हम लोग यहां पे क्या करते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटर ए प्लस बी राइट, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, सेवन है उसका क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या है, वन थर्टी थ्री प्लस थ्री ए बी इंटर ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, सेवन है, सेवन का क्यूब कितना, टू फोर्टी थ्री आता है माइनस वन थर्टी थ्री प्लस ट्वेंटी बराबर थ्री फोर्टी थ्री माइनस वन थर्टी थ्री करो तो जीरो आया, ये वन आया, ये टू आया, प्लस इक्वल टू लिखना है, इक्वल टू ट्वेंटी वन ए बी, तो टू वन जीरो डिवाइड बाय ट्वेंटी वन, तो ए बी की वैल्यू कितना आएगा, टेन, तो ए बी विल बी, बराबर है। अगर ए बी टेन आता है तो उन्होंने क्या पूछा है वो इम्पोर्टेंट है, हमें ए प्लस बी अगर हम लोग ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आता है, इसकी तो वैल्यू हमें पता है सेवन है, उसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू क्या आई थी, तो 49 माइनस टेन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आएगा 39 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑल सेट। चलो होना चाहिए खत्म, थोड़ा भी हो गया, थैंक यू।